कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी खेती बचाओ यात्रा लेकर संगरूर से निकल चुके हैं। ये संगरूर की मंडी है, आप देखें यहाँ पे कितने सारे जो किसान हैं वो ट्रैक्टरों पे अपने बैठे हुए हैं, और यहाँ पर राहुल गांधी हैं जो कि ट्रैक्टर में बैठे हुए हैं। सुनील जाखड़ ट्रैक्टर चला रहे हैं, उनके साथ जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और साथ में जो है विजेंद्र सिंगला है जो कि संगरूर के MLA हैं और पंजाब में मंत्री हैं। तो पूरा दृश्य हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये दाना मंडी है जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये राहुल गांधी हैं, उनके साथ जो है पूरा का पूरे ट्रक यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। इन ट्रकों पर जो है वो किसान बैठे हुए थे, अंदर जो है वो रैली हो रही थी, और ये जो यात्रा है पूरी की पूरी कल जो है मोगा से शुरू हुई थी और आज जो है ये पटियाला की ओर बड़ी चली जा रही है। यहाँ पर दाना मंडी में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी, उनके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो है साथ में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जो कि ट्रैक्टर से बैठे हुए हैं। इनके पीछे एक और ट्रैक्टर चल रहा है जिसको दीपेंद्र हुडा चला रहे हैं, और उनके साथ वहां पर हरीश रावत और कांग्रेस पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का ये पूरा जो काफिला है यहां से जो निकला है ये आगे पटियाला की ओर जा रहा है। राहुल गांधी जो है मोगा से अब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी, और ये आज संगरूर से होते हुए पटियाला जाएंगे और कल जो है हरियाणा जाएंगे। हरियाणा के अंदर जो है पहले कहा जा रहा था कि इनको इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन अब सुनने में आया है कि प्रशासन ने इनको इजाजत दे दी है। 2 दिन के दौरे पे होंगे राहुल गांधी हरियाणा के भी, और अब यहाँ देखिए कि लोग किस भारी तादाद में मौजूद है, सड़कों पर यहाँ पर मौजूद है, खड़े हैं, और ये आम लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। कोई सेल्फी ले रहा है और कोई जो है राहुल गांधी के पास आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी जो है बहुत चौबंद है। आप देख सकते हैं CM सिक्योरिटी है और इसके साथ साथ ब्लैक कैप कमांडोज भी है। लेकिन पीछे आपको मैं दिखाऊँ, वो हरे रंग का जो ट्रैक्टर है वो गुरजीत सिंह औजला है, कांग्रेस पार्टी के जो MP हैं, और ये जो है इन्होंने संसद के सामने जो है प्रदर्शन किया था। और आज यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पर जो पूरा काफिला है ये बड़ा चला जा रहा है पटियाला की ओर। राहुल गांधी 2 दिन का हरियाणा का दौरा करेंगे और उसके बाद जो है दिल्ली कूच करेंगे। कांग्रेस पार्टी कृषि बिलों के ऊपर जो है वो पहले ही ताबड़तोड़ हरिंदा सरकार के ऊपर बोल रही है। राहुल गांधी ने आज यहाँ पंजाब से एक बार फिर कहा है कि वो किसी भी तरीके से इन कृषि बिलों के जो खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें किसानों का साथ देंगे और इंश्योर करेंगे कि MSP जो है वो इन बिलों में ज्वाइन की जाए। सरकार से ये जो है दरख्वास्त कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो प्रदर्शन चल रहा है उसका भी वो हिस्सा लेंगे कि जो MSP के प्रावधान है उसको कृषि बिलों में डाला जाए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है कि MSP जो है उसके मुद्दे के ऊपर सरकार को पूरे पूरे विचार करना चाहिए। संसद के अंदर से लेकर सड़कों तक लड़ाई जो है वो राहुल गांधी कृषि बिलों के ऊपर लेकर आ गए हैं। अलग अलग पंजाब के अलग अलग इलाकों में जो है प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी ये कृषि बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि संसद से लेकर सड़क तक यूं ही जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, संगरूर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।